जो घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, और अभी जाते हैं हमारे ग्राउंड पे क्योंकि टाइम हो चुका है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आई होप बर्डिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है इस नए ब्लॉग में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। एंड अभी टाइम हो रहे हैं 7:15, और अभी जैसे अभी मैं जा रहा हूँ ग्राउंड पर क्योंकि आज हमारी टूर्नामेंट है। आपको मेरी टी शर्ट से पता चल गया होगा, तो चलिए जाते हैं। एंड जो थोड़ा भी छोटा काम है वो भी कंप्लीट कर लेंगे वहाँ जाके, ताकि अभी थोड़ी देर में टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो जाएगी और हमारा सेकेंड राउंड है। अब देखते हैं सामने वाली टीम कब तक आती है, तो चलिए मिलते सीधे ग्राउंड पर। तो गाइस, आज की टूर्नामेंट का ये ग्राउंड जो कि रेडी हो रही है, और ये सुबह सुबह लोग दो आ चुके हैं, और ये आज के हमारे अंपायर, और ये सब कुछ रेडी हो रहा है। चलो मिलते हैं। हो चुका है, अहमदाबाद इलेवन ने टॉस जीता। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। तो गाइस, अपना टाइम हो चुका है प्रैक्टिस में जाने का, और अभी मैं जाऊंगा प्रैक्टिस के लिए क्योंकि वहाँ पर हम लोग मैच हार गए थे और मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया, इसके लिए मैं कुछ शूट किया नहीं। और आज जी प्रैक्टिस मतलब मैं सो ही गया था, और जैसे टाइम हुआ 4:45 जब एग्जैक्ट मतलब उठा रहे मैं, तो मैंने सोचा चलो प्रैक्टिस में जाके आते और वहीं पर अपना एक गुस्सा निकाल सकते, क्योंकि बहुत हम लोग जीतने वाली मैच हार गया, इसके लिए बहुत बुरा लगा भी। और चलिए अब जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि और कुछ चारा है भी नहीं, अभी प्रैक्टिस करेंगे सीधा। और ऑफ सीजन भी आ गई है तो लगता नहीं वो टूर्नामेंट होने वाली है, तो चलिए जाते हैं प्रैक्टिस करते हैं। सो अभी जस्ट मैं आया हूँ प्रैक्टिस करके, और आज भी हमारा थियरी सेशन था बैटिंग का, तो आज वो कम्प्लीट हुआ। और कल पता नहीं कुछ है मतलब सर ने बड़ा सरप्राइज क्या होगा वो मुझे पता नहीं। एंड अभी मम्मी जा रही है राजस्थान अर्जेंटली कुछ काम है इसके लिए, अभी घर पे मैं मेरा भाई और गबरू अकेले रहेंगे एक दो दिन के लिए, तो अभी जाते थोड़ा कुछ खाते क्योंकि भूख भी लगी है। एंड अभी मेरे अंकल बोल रहे हैं अभी 7 बजे भी 7:30 भी कोई दूसरा राउंड है क्रिकेट का, तो देखते हैं वो खेलने जाते हैं या नहीं। तो अभी जाते हैं, लोग जीत के आ जाए वो देखते हैं, क्योंकि कल के भी नहीं देखे थे तो सोचते थे आज ही देख लेते। चलिए जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और कुछ खाना खाते हैं, तो मिलते थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। तो जब भी जस्ट मैं घर आया हूँ, मैं गया था बाहर और मेरे फ्रेंड लोग से वो मिलने, और मेरा भाई गया है मेरी मम्मी लोग को, मतलब बस आ चुकी है वागड़े चौक में और वहाँ गया। और ये देखिए कैसा मेरा नीचे वेट कर रहा था, अब हम दोनों जाएंगे ऊपर, इसका मतलब मम्मी से खाना खिला दिया था और अभी हम भी खाएंगे, मैं और मेरा भाई बाकी है। चलिए तो इसको लेके जाते हैं, कैसे देखो इसका नाटक देखिए क्या देख रहा है मेरे को। आइए
प्लेस जाते और इसको इसके रूम में चुलाते और अपने भी चुलते। और ये मेरा भाई भी आके देखो कैसे भागा है, देखो इसका रिएक्शन। गबरू कौन आयो, कौन आयो जल्दी देख इसका रिएक्शन, देखो। मम्मी के जाते इसकी हालत देखो कैसी हो गई, कैसा मुंह बनाने लग गया ये, और कब का गेट की तरफ देख रहा है ताकि उसको ऐसा कि मम्मी बाहर बैठी है और जल्दी आएगी। मम्मी कहाँ गई, अरे मम्मी कहाँ गई, क्या देख रहा है वो, उसकी नज़र गेट के पास ही जा रही है। सब विदेश में खाना खा के आया ही हूँ और आपने देख ही लिया कि गबरू मम्मी नहीं तो कैसा कर रहा है वो, और अभी बाहर जाके मेरे भाई के साथ बैठा है, अभी आधा घंटे जैसे बैठेगा भाई के साथ, फिर जैसे भाई अंदर आएगा तो वो भी आ जाएगा एंड देन फिर थोड़ी देर में सो जाएगा। और अभी टाइम हो रहा है 11:30, लेट हो चुका है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही, बहुत नींद आ रही है क्योंकि 2-3 दिन से कम्प्लीट मुझे नैप मिला भी नहीं है, तो आज जाते सोने के लिए आराम से सोएंगे। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में आपका बेस्ट पार्ट जरूर बताना। मिलते हैं कल, आज के लिए गुड नाइट।